Hello students, today we are going to start our new poem My Native Land, composed by Sir Walter Scott. एक देशभक्ति कविता है जिसमें पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और जो नहीं रहते हैं उनके साथ क्या होता है ऐसा बता रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन टू लाइन. ब्रीथ्स देयर द मैन विथ साउल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड. इन लाइन्स में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो सांस तो लेते हैं, ब्रीदिंग तो करते हैं, मगर जिनकी आत्मा जो साउल है वो डेड है, और जो कभी ऐसा नहीं कहते कि ये मेरा नेटिव लैंड है, ये मेरी मातृभूमि है, ऐसे आदमियों की जो आत्मा है वो मरी हुई होती है ऐसा बता रहे हैं. हुज हर्ट हैथ नेवर विद इन हिम बर्नड एज होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्नड फ्रॉम वेंडरिंग ऑन ए फॉरेन स्ट्रैंड. नेक्स्ट लाइन्स में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन्स जो फॉरेन लैंड, स्ट्रैंड मीन्स फॉरेन लैंड जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनके मन में अपने देश के प्रति प्यार नहीं होता है, तो उनका जो साउल है वो भी डेड है ऐसा बता रहे हैं. इफ सच देयर ब्रीज गो मार्क हिम वेल और अगर ऐसे आदमी जो फॉरेन से आते हैं और अपने देश के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं तो पोएट कह रहे हैं कि जाओ और उनको मार्क करो कि कौन लोग हैं वो. फॉर हिम नो मिनस्ट्रल रैप्चर्स स्वेल और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो मिनस्ट्रल्स हैं मीन्स म्यूजिशियंस जो हैं वो आनंद भरे गीत नहीं गाएंगे. हाई थ्रू हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम Boundless is wealth as we can claim. और कह रहे हैं कि चाहे उसके पास कितने भी टाइटल्स हों, उपाधियाँ हों, उसका काफ़ी नाम हो, उसके पास boundless wealth हो, despite those titles, power and wealth, इन सब टाइटल्स पावर और वेल्थ मीन्स मनी के होते हुए भी द व्रेच व्रेच इसको हम डब्ल्यू आर ई टी सी एच इसको हम रिसाइट करेंगे रेच इसका मतलब है गरीब. तो ये सब कुछ होते हुए भी वो गरीब है अगर वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है. कंसंट्रेटेड ऑल इन सेल्फ लिविंग सेल्फ फॉरफिट फेयर रिनो और जो उसकी प्रसिद्धि है रिनो है वो ऐसा मनुष्य खो देता है जिसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है. एंड डबली डाइंग सेल गो डाउन और उसकी एक तरह से दोहरी मृत्यु होती है. एक तो नॉर्मल मृत्यु होती है और एक डबली डाइंग यहाँ पर कहने का मतलब जिसके मरने पर ना तो कोई उसकी इज्जत करेगा ना ही कोई उसके ऊपर ध्यान देगा. इस तरह की ऐसी मौत होगी उसकी. टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रैंग और उसी मिट्टी में उस वो मिल जाएगा जहाँ से वो उठा था, खड़ा हुआ था. अनवेप्ड अनऑनर्ड एंड अनसंग ना तो उसकी मृत्यु के ऊपर कोई रोएगा, ना उसे कोई ऑनर दिया जाएगा और ना ही उसके लिए कोई संगीत या सम्मानित संगीत गाया जाएगा. तो इस तरह से पोएम जो है वो एक देशभक्ति पोएम हम इसको कह सकते हैं. आप इसको एक बार दोबारा अच्छी तरह से रिसाइट करेंगे लाइन टू लाइन. Okay, students, thank you.